अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद सदीक, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फार्मिंग स्टेशन। फार्मिंग स्टेशन आपके साथ शेयर करता है जम्मू की होलसेल सब्जी मंडी से सब्जियों के होलसेल रेट। यहाँ पे आपको जो भी रेट बताएंगे वो सब्जियों के होलसेल रेट है, रिटेल नहीं। तो अगर आप भी जानकारी रखना चाहते हैं जम्मू की सब्जी मंडी के होलसेल रेट्स की, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो आप नहीं करते हो वीडियो लाइक कर दिया करो, आपकी एक लाइक से ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आओ मेरे साथ करते हैं जम्मू की सब्जी मंडी को एक्सप्लोर और जानते हैं मंडी में आए कौन कौन सी सब्जियां आई है और उनके क्या क्या बाजार हैं। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं मौसम से। कल जो है 1 मार्च था और मार्च ने जो है शुरुआत करी थी बारिश से। कल भी बारिश थी और आज भी वेदर के हिसाब से बारिश बताई थी और बारिश कभी आ रही है कभी रुक रही है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और मौसम ख़राब की वजह से मंडी को जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। रेट्स में रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि सुबह कुछ रेट थे और अभी कुछ रेट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जी स्काश से। इसे स्काश भी कहते हैं तो कुछ माड़ू भी कहते हैं और कुछ लोग जो है पंजाब वाले लोग जुगनी कहते हैं। तो जुगनी के बाज़ार आए 17-18 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो साथ में दिखाएंगे आपको खीरा। खीरा कल हमने दिखाया था आपको 20-22-23 रुपए और आज खीरे के बाज़ार जो है 25-26 रुपए किलो है, क्योंकि खीरा मंडी में कम आया था और बिकता भी कम है, बारिश में जो है खीरा कम बिकता है। तो साथ में ही दिखाएंगे जी आपको पत्ता गोभी। ये मलेरकोटले वाली पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी की शुरुआत सुबह 12 से लास्ट 15 रुपये किलो तक बिकी है। तो इसके साथ में हम दिखाएंगे जी आपको आज शलगम। शलगम तो एक जम्मू का लोकल शलगम भी आता है लेकिन ये वाला जो है ये जलंधर का शलगम है। इसके बाज़ार यहाँ 14-15 रुपए किलो। तो साथ में ही दिखा रहे हैं जी आपको फूलगोभी, ये पंजाब वाली लोधी सुल्तानपुर से आई थी। इसके बाज़ार यहाँ 10 रुपए किलो, सुबह 11-12 भी किया गोभी। अभी एक गोभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मलेरकोटले वाली गोभी है, नई फसल जो है स्टार्ट हुई है। ये अब मलेरकोटले वाली फिर से गोभी चलेगी। अभी डेरा बाबा नानक की फूलगोभी भी आ रही है, फरीदकोट की फूलगोभी भी है। फूलगोभी बहुत सारे स्टेशन है, जम्मू की लोकल फूलगोभी भी है। तो अभी चलते हैं जी मंडी में, बारिश भी हो रही है, दिखाते हैं आपको क्या पता आड़ती है मंडी के में कि नहीं है, देखते हैं जो जो मिलेंगे तो थोड़े बहुत रेट दिखाते हैं आपको। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं जी मोनो भैया से, शॉप नंबर 76। तो भैया आज ना आज बारिश हो रही है तो भैया आज अंदर शेड में ही बैठे हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया वेंटिलेशन भी है, इनका सेटअप भी बहुत बढ़िया। सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया सर, आज हुड भी आपने पहना है व्हाइट कलर का, इस पर लिखा भी है जापान, सही है, इस पर गाना भी आएगा ना। तो सर अब इसके साथ साथ में थोड़ा रेट का बताएं मेरे को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्याज। प्याज की पोजीशन आज की डेट में है 21-22। 21-22, हाँ, 1-2 रुपए की थोड़ी तेजी है। 1-2 रुपए की तेजी है सर, कौन से माल में तेजी है? एक तो आगे लगा जब तेजी आती है ना जी, जी तो 1-2 रुपए की मैंने आपको तेजी बोली। जो माल 23 वाला है वो 25 हो गया जी, जी। जो 20 वाला है वो 22 हो गया। 20 वाला 22 हो गया, मान लो जो काले माल है वो 20 से 22। 21-22। तो जो पिंक माल है बढ़िया वाला नासी वो 24-25 रुपए। तो मोनू भैया तेजी क्यों है? एक्सपोर्ट कल का गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोला है, एक दिन पहले भी खोला था वो खोला है। गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, कभी बोलते हैं फिर बोलते हैं हम करेंगे खुद, ऐसा ही सिस्टम। मतलब आज वाले एक्सपोर्ट में इतनी हड़बड़ाहट नहीं है, पिछले वाले में बड़ी हड़बड़ाहट हो गई थी। अब थोड़ी 1-2 रुपए की इसलिए तेजी है, 1-2 रुपए की तेजी है। तो सही है। तो मोनू भैया आज ना शनिवार डबल मंडी, लेकिन वो बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हो गया डबल मंडी। और दूसरा ये है कि कार्रवाई भी है श्रीनगर के लिए, लेकिन कोई बात बनी नहीं है वैसी। एक्चुअली मौसम की वजह से, आपको पता है हमारा काम ना 90% मौसम पे डिपेंड करता है। जी, जी, जब मौसम साफ है ग्राहक आता है माल उठाता है। अब इस मौसम में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ना, उसकी वजह से थोड़ी आए मार लग गई, नहीं तो आज दिन अच्छा निकलना था। प्याज के साथ में थोड़ा आलू का बता दें। आलू वही चल रहा है भैया, जो अंबरसर वाला वो 400 रुपया, जो जलंधर वाला वो 550 से लेके 600 रुपया। लाल माल लाल लेना है तो 650 से 700। तो मोनू भैया सुनने में आया था कि आलू इस बार थोड़ा ऊपर जाएगा, ये आप मत सुना करो, क्या होगा क्या नहीं इसका कुछ पता नहीं चलता, नहीं पता ये मौके पे ही होती है, ये मौके बात है। चलो जी, थोड़ा बहुत किसानों को खुशी रहती है। नहीं, किसान खुशी है, किसान भी वो भी अपनी किस्मत कभी सही है बन जाते हैं कभी नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं, सही है। मोनू भैया आप थोड़ी सी रह गया हमारा टमाटर का बता दें हमें। टमाटर आपके पास आया था बेरांग, उसका बताए थोड़ा। टमाटर 700 से 750 रुपए का भाव है यहाँ पे बेरांग, बढ़िया माल। तो सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी 500 से 600। तो दूसरा जो गुजरात अहमदाबाद 650 से लेके 700।
ठीक है मोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया। तो अपनी फर्म का नाम बता दें। दुर्गा फ्रूट कंपनी, दुकान नंबर 76, मोबाइल नंबर 9419165159। मेरे साथ है बल्लू भैया। बल्लू भैया का जो है 12 महीने ही जो है लहसुन का काम रहता है, महंगा हो सस्ता हो इन्होंने बेचना लहसुन ही है। सर कैसे हो आप? ठीक भैया। क्या चल रहा है आज, क्या पोजीशन है लहसुन की? जैसे हवा तेज चल रही है वैसे लहसुन का भाव भी नीचे नीचे आ रहा है। नीचे कर दिया। ऊपर जा रहा है? नीचे नीचे कर दिया। अच्छा, हवा के साथ में चल रहा है ये? हवा के साथ चल रहा है। सही है जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइना क्वालिटी से। चाइना बेचा जी 180, 190, 200, जैसे गागा वैसे दे दिया। चाइना भी नीचे आ गया? दे दिया। ये तो भैया मुझे लगता है नए नहीं है, पुराने पुराने महंगे वाले टाइम में 180, 190, 200, जैसा ग्राहक वैसे रेट। जैसा ग्राहक वैसे रेट, ठीक है जी। अभी जो ऊटी चाइना आ रहा है उसका बताएं। ऊटी बेचा जी टॉप क्वालिटी 170, 175 से 150 कर दिया। 150, 155। हाँ जी, हाँ जी। तो जो देसी है, देसी क्या? देसी नीचे में बेचा जी वाला 120 रुपए। 120 रुपए? हाँ जी, हाँ जी। मान लो अभी अच्छा माल भी 120 रुपए का दे रहे हो आप? हाँ दे रहे हैं। कल बेचा था 130, आज बेचा 120। और अगर कोई जिद करेगा 100 भी दोगे? आपके चैनल का नाम लेके आएगा तो उसको 2 रुपए और सस्ता देंगे। 118 उसको 2 रुपए किलो और सस्ता देंगे। 2 रुपए किलो और सस्ता, सही है। और एक ये बेचा ऊटी, ये ऊटी है। हाँ जी, क्या बाजार है? 130। हाँ जी, खरीदारी चल रही होगी लहसुन की, बाहर बारिश है तो नहीं? नहीं, ठीक है। काम अच्छा है, बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है, बिक रहा है। मान लो कल मेरे पास से कटाया था 130, परसों आया था 173, बैलेंस यही है। यही बैलेंस है, बस माल बिक रहे हैं। बिक रहे हैं, इस रेट में बिक्री हो रही है, क्योंकि लोगों ने खाया नहीं है 2-4 महीने लहसुन। भैया 300 रुपए किलो वैसे 150 किलो आ गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहली तारीख को लहसुन का भाव 150 रुपए आएगा, तो आ गया है। और 5-10-15 रुपए किलो लहसुन टूटेगा, लेकिन यही पर ठहर जाएगा। मान लो 2-4-5 दिन के बाद हमें मोटा माल 100 रुपए किलो मिलेगा। मोटे 100 नहीं मिलेगा, 100 नहीं आएगा, 120-130 रुपए मिल जाएगा। 130-140 तक, 130-140, इससे नीचे नहीं आएगा। सही है, चलो जो 400 बिकता था वो 120-130 में आ गया। अब सभी खाएंगे लहसुन, सब खाएंगे। सही है, अपनी फर्म का नाम बता दें। रेणुका ट्रेडर्स, शॉप नंबर 99 7002-3942। मैं अभी शॉप नंबर 99 पे हूँ, तो अभी हमने बल्लू भैया से थोड़ा आइडिया लिया और थोड़ा आइडिया हम राम भैया से लेंगे लहसुन का, क्योंकि ये लहसुन का ही काम करते हैं राम भैया भी। भैया कैसे हो आप? बहुत अच्छे जी। आज सुना हवा भी तेज है और लहसुन के रेट भी नीचे आ रहे हैं तेजी से। हाँ जी, लहसुन जो भाव पीछे है वो भाव बिक रहे हैं, दिल्ली और पीछे वाले भाव बिक रहे हैं बाजार में। कल से 10-15 रुपए की और गिरावट आई है। गिरावट है आज, जो बढ़िया क्वालिटी कल बेची थी मैंने 165-170 रुपया, आज 155 चलाई है, 150 चलाई है। जी जी, सुपर क्वालिटी नंबर वन लहसुन है ये। नंबर वन क्वालिटी? हाँ जी, 150 रुपए। हाँ जी, और एक ये क्वालिटी है, ये देसी मीडियम है ये। जी जी, ये सुबह 110-115 बिक रही थी, अभी 100 में दिया भाई, सब भाइयों को दिया। अच्छा, ये इन भाइयों ने लिया? इन भाइयों ने सभी ने लिया, 50 करीब कट्टे थे ये, सभी ने भाइयों ने लिया ये। मान लो अभी 100 रुपए किलो, मान लो अभी गरीब जनता भी लहसुन खा सकती है। अभी मेरे को लगता है अभी जब कोटे का चलेगा तो बिहार और नीचे जाएंगे, और नीचे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मान लो वही 40-50 वाली बात नहीं, नहीं वो नहीं आएगी, क्योंकि 100 रुपए किलो लहसुन जो 120-130 रुपए किलो ये इधर हो जाएंगे। 150 तो अभी ऑलरेडी चल रहा है, चल रहा है 150 में चल रहा है, तो 20-30 और नीचे आगे तो वो आगे भी आएंगे। बिक्री बड़ी है? बिक्री ठीक है, पहले से बिक्री भाव में देखो जी, पहले 350 बिक रहा था तो आम लोग लहसुन नहीं खा पा रहे थे। जी जी, अभी लहसुन की बिक्री खुली है। ये जो लोग हैं ये रेडी फेरी वाले हैं। हाँ जी, तो इनका महंगा नहीं चलता है। हाँ जी, जब थोड़ा सस्ता हो जाए फिर इनका बिकता है आगे। अब ऐसा है कि कॉमन फेरी वाला, रेडी वाला लहसुन देसी लगा रहा है ये। जी जी, ये मेरे घर 45 कट्टे करीब थे, ये सभी भाइयों ने लिए, इन्होंने लिए हैं, इन्होंने लिए हैं। सही है, ये बेचेंगे जाके, मुंबई जाके बेचेंगे अभी जाके। तो आज वैसे जो बारिश वगैरह हो रही है इसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट डाउन होती है कि? बिल्कुल, बारिश का फर्क पड़ता है ये लहसुन और प्याज में, आज ग्राहकी की कमी हुई है क्योंकि बारिश का माहौल है। बारिश का माहौल है। हाँ, रास्ते बंद है, रास्ते बंद है, जो लेके जा रहा है वो देखेगा कि बारिश ना आ जाए मैं कैसे बेचूंगा। हाँ, रेडी नहीं लगती है, रेडी लगती नहीं है, ये बात है। सही है। तो राम भैया फर्म का नाम बता? राम महाजन। शॉप नंबर 99, मोबाइल नंबर 7006459682। मैं अभी शॉप नंबर 61, 62, बारिश होती है तो मैं हैप्पी भाई के पास आ जाता हूँ, क्योंकि बाहर घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आरती शेड में आ जाते हैं। भैया कैसे हो आप? बढ़िया जी। तो आज ना बारिश हो रही है फिर से। हाँ। तो अभी कस्टमर जितने भी हो शेड में आ चुके हैं, बाहर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाजार कैसे रहे आज? ठीक थे बाजार, डिले भी थे, थोड़ा मंदा ही है, थोड़ा मंदा ही है। मान लो जिस हिसाब से आज शनिवार था, डबल मंडी थी, आज श्रीनगर की कानवाई भी थी यहाँ से, लेकिन वो बात बनी नहीं है, रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसे कहते हैं माड़ू, कश्मीरी बोलते हैं सकाश,
पंजाबी बोलते हैं जुगनी जुगनी, तो इसके क्या बाजार है? ये बढ़िया जो बढ़िया वो 15 रुपए किलो, बढ़िया 15 रुपए किलो। तो मान लो कल ये 20 बिक रहा था बढ़िया और आज 5 रुपए किलो इसका टूट गया है। सही है जी। पीली गाजर क्या भाव बेच रहे हो? पीली गाजर कल बेची थी 12 रुपए किलो, आज बिकी नहीं। आज बिकी नहीं। कश्मीर का ग्राहक आएगा ये बिकती है, कश्मीर का ग्राहक नहीं है लोकल नहीं लेता, लोकल इसे नहीं लेता है। सही है जी। शलगम आपके पास सुपर क्वालिटी, इसके क्या बाजार है? ये कल बेचा था 14 रुपए किलो, 14 रुपए, आज बिका नहीं। आज बिका ही नहीं। मान लो कश्मीर जाने वाली जो भी आइटम है वो आज बैलेंस है, बैलेंस है, वो आज बिकेगी नहीं। सही है जी। और अपने पास ढोडी पालक भी आया पंजाब से, ये क्या भाव बिका है? ये बिका नहीं है, पड़ा हुआ। अच्छा, ये भी बिका नहीं है। मान लो हरे पत्ते वाली सब्जी कुछ ऐसी बेकदरी हो रही है, कुछ माल जो है बिकी नहीं रहे हैं, ज्यादा बेकदरी है, ज्यादा बेकदरी है। सही है जी। खीरा आया था अपने पास, खीरा खीरा आया, खीरा बिका 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। हाइब्रिड वाला की हाइब्रिड, हाइब्रिड वाला 20 रुपए किलो। सही है आपकी भैया। तो उम्मीद करते हैं अब सोमवार को मंडी खुलेगी, अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर रास्ते खुलेंगे और थोड़ा मार्केट में फिर से जो है तेजी आएगी। तो अपनी फर्म का नाम बता दें मुझे। हैप्पी फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर कार्डवाड़, मोबाइल नंबर 7006240785। मैं अभी शॉप नंबर 59 पे, तो मेरे साथ है आज तरसेम जी, क्योंकि आज सभी जो आरती जितने भी आरती हैं वो आपको शेड में ही मिलेंगे, बाहर बारिश हो रही है। तो रेट की बात करते हैं सर, कैसे हो आप? ठीक ठाक सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हरी मिर्च से, हरी मिर्च के क्या बाजार रहे हैं? हरी मिर्च बिकी आज 50 और 55, बारीक वाली 55, थोड़ी मोटे बन में 50, जो सबसे सुपर क्वालिटी है वो 55 रुपए। हाँ सही है। तो जो थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी है वो 50 रुपए। सही है जी। आज हरी मिर्च कम आई थी मंडी में? कम थी, कम। सही है। तो अभी मेरे को बीन्स का बताएं, बीन्स बहुत ही सुपर क्वालिटी है आपके पास, बिकी 50-55, 50 से लेके 55 रुपए किलो। हाँ। तक सर। ये जो दिल्ली से आ रही है या सिलीगुड़ी वाली? दिल्ली से, सिलीगुड़ी वाली कम बिकती है, वो थोड़ी हल्की होती है, थोड़ी हल्के मन में। सही है। और भिंडी क्या पोजीशन रही सर आए? भिंडी जैसी भिंडी भी थी 50 से लेके 60 रुपए तक, 50 से लेके 60 रुपए किलो तक। सर करेला जो है थोड़ा ऊपर चला गया था, करेला 70 से 75, 70 से 75 रुपए। सही है। चिकंदर के क्या बाजार है? चिकंदर ये 24-25, 24-25 रुपए। तो नींबू की पोजीशन सर थोड़ी बताएं? नींबू यही 100 रुपए के करीब है, 100 के करीब। लौकी? लौकी भी क्या है 35 रुपए। घिया? घिया भी का 35-40, 35-40 रुपए। सर जैसे आज डबल मंडी थी, शनिवार था और श्रीनगर के लिए आज कानवाई भी होती है, तो वैसी कुछ बात बनी नहीं बारिश की वजह से? बारिश की वजह से माल थोड़ा बाजार ढीला रहा, ढीला रहा। माल तो मंडी में कम आए थे, माल कम थे मगर बारिश की वजह से काम खराब हो गया, नहीं तो थोड़ी मार्केट और ऊपर जा सकती थी। सही है। तो हमें अपनी फर्म का नाम बता दें सर। बिशन दास एंड सन। शॉप नंबर? शॉप नंबर 59, मोबाइल 94191838832। मैं अभी शॉप नंबर 57 पे अमन भाई के पास, तो अमन भाई ने आज ना माल मुझे लगता है खत्म कर दिया, आज फिर से इनकी थोड़ी बाजार इनके तेज है। अमन भाई कैसे हो? बढ़िया सर। आज मार्केट फिर से तेज है, मुस्कुरा रहे हो आप? आज तेज है, आज तेज है ना, जब तेज होता है आप थोड़ा मुस्कुराते हो। सही है। तो क्या पोजीशन रही है लोकल जम्मू के माल, क्या भाव बिके हैं? वो बिका 130 रुपए किलो, 130। हाँ जी, हाँ जी। जो जम्मू का लोकल, जम्मू का तो जो पंजाब से आ रहे हैं वो पैकेट वाला माल बिका 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। वो कम बिक रहा है वो? हाँ, वो अब वो थोड़ी मौसम में चेंज आ गया ना, उसकी वजह से माल थोड़ा हल्का हो गया, सी माल क्वालिटी हल्की हो जाती है। 100 से लेके 130 तक के बाजार है आज, ये पैकेट वाला माल। और माल खुल के बिका है? हाँ, माल बिक गया सारा, माल बिक गया। आज बारिश नहीं होती अगर श्रीनगर का रास्ता बंद नहीं होता तो और तेज बिकता, जैसे मजे आपने एक शनिवार को पहले लिए था वैसी बात बनती, हो सकते थे, हो सकते। सही है। तो अभी आपके पास ये है ढिंगरी है, थोड़ा इसमें ढिंगरी बची है, ये कम बिकती है? नहीं नहीं, काफी बिक रही है, आज आई ज्यादा थी। कितनी आई थी अपने पास? ये कम से कम 2000 पैकेट था, 2000 पैकेट बेचा आपने। इसके बाजार क्या है, रेट क्या है इसका? ये डिंगरी ऐसे नॉर्मल बिकती है 120-130 रुपए किलो। अच्छा, तो ये थोड़ी हल्की है तो 10 रुपए 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो। 2000 पैकेट आपने अकेले ने बेचा? हाँ। फिर मंडी में कितना माल होगा ये? मंडी में मैं बता नहीं सकता, डिंगरी ज्यादा हमारे पास ही आती है। अच्छा, आपके पास ही आती है। सही है। ये कहाँ से आ रही है जम्मू? ये लोकल ही है, लोकल ही है। जैसे मशरूम लगती है वैसे अच्छी है। हमने ली थी एक बार, टेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, खाने में बहुत अच्छी है। बहुत सही है। मतलब खुद भी खाते हो? नहीं, तो अपनी फर्म का नाम बता दे। शॉप नंबर? शॉप नंबर 57। मोबाइल नंबर? 7889636032। मैं हूँ जी अभी शॉप नंबर 45 पे, तो मेरे साथ है वरुण भाई। वरुण भाई जो है मशरूम का ही काम करते हैं, होलसेल काम है इनका मशरूम का, इनसे जानते हैं आज बारिश भी हो रही है और जानते हैं आज क्या बाजार रहे हैं मशरूम के। भैया कैसे हो आप? बस बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। कब से कर रहे हो आप ये मशरूम का काम? हो गया साल, हो गया साल, हो गया। सही है जी। तो हमें सबसे पहले बताएं आप ये वाली क्वालिटी बताएं, ये कहाँ का माल है?
ये पंजाब का माल आता था। पंजाब का क्या पोजीशन रही आज इसकी, क्या भाव बिके? डब्बी एक बढ़िया वाली बिकी 150, ये 150 रुपए। हाँ, ये वाली क्या भाव? ये 130 बिकी। 130 रुपए। वो बढ़िया कौन सी होती है? वो बटन मशरूम होगी जो सामने, ऐसी होगी सुपर वाली है। सुपर। तो ये लोकल है? हाँ ये लोकल है। ये क्या भाव बिक रही है? ये 110 बेची। 110 रुपए। 100 से लेके 120-130 150 तक के बाजार है आज, मतलब 150 तक बाजार है जो बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी का ये 130। सही है जी। और क्या अपने पास? रेड येलो वगैरह। ये येलो और रेड शिमला मिर्च, ये क्या भाव बिक रही है? 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो, सही है। और क्या ये अपने बेबी कॉर्न भी आपके पास? हाँ जी हाँ जी। बेबी कॉर्न क्या बाजार? ये 40 रुपए का पैकेट। 40 रुपए। भैया ये मटर क्या भाव बेच रहे हो फ्रोजन? एक 550, एक 500। 550 एक, 550 स्टार वैली। स्टार वैली 550, दूसरा 500। दूसरा 500। तो ज्यादा कौन बिकता है, स्टार वैली बिकता है? जो बढ़िया है वो स्टार वैली ज्यादा ही बिकती है। सही है। तो वरुण भैया, हमारे चैनल का नाम फार्मिंग स्टेशन है, तो अगर फार्मिंग स्टेशन के माध्यम से आपकी दुकान पर कोई आएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट रहेगा उसके लिए? अगर कोई आपकी वीडियो देखेगा, वो आपको बोलेगा हम आपकी वीडियो देख के आए, उसको डिस्काउंट करोगे? करना भैया, फिर आपके पास आएगा कोई ना, फिर बाद में मुझे बोलते हैं लोग यार वो देते नहीं है डिस्काउंट। डिस्काउंट करना, ठीक है, जो भी आपसे होगा करना, ठीक है। तो अपनी फर्म का नाम बता दें आप। फर्म का नाम गुप्ता वेजिस्टर। अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। 7006199563। मैं अभी शॉप नंबर 36 पे हूँ। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जम्मू में आज बहुत ज़्यादा बारिश है, तो आज बाहर जो है बड़ी मुश्किल है। तो अभी मैं सुरेश भैया के पास हूँ, ये भी ऑफिस में बैठे हैं, तो मैंने बोला यहाँ से थोड़े रेट जानते हैं। सर कैसे हो आप? बढ़िया ही बढ़िया। आज बारिश है, आप भी अंदर बैठ गए हो आगे, है ना? बारिश लगी हुई। सही है। आज वैसे शनिवार था, एक तो डबल मंडी थी और कार्रवाई भी थी श्रीनगर की, तो कहीं ना कहीं हमने सोचा था कि मार्केट थोड़ी निकलेगी, ग्राहक निकलेगा, लेकिन वैसी कोई बात बनी नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो सुरेश भाई, कितनी है गाड़ियां थी टमाटर की मंडी में आज? मंडी में 11-12 गाड़ी होगी। 12 गाड़ी जो फ्रेश आई थी, तो बैलेंस थे कल के कुछ? सारी मिला के 11-12 गाड़ी। तो कैसी बिक्री रही आज? ठीक है, कल जैसी बिक्री है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी, जो बेंगलोर की गाड़ी लगी है मंडी में, ये ताजी थी ना? ताजी गाड़ी। तो इसके क्या बाजार रहे हैं? 600 रुपए बिका। 600 रुपया। तो सर इसमें है पड़ता बराबरी आती है इसमें कि 600 में क्या? ऐसे ही है, ठीक है, चलो मतलब चल रहा है, बिक जाए तो सही है। तो इसके साथ में जो दूसरा आता है बिरांग, वो बिका 620-630 रुपए। 620-630 रुपए। मान लो कल से आप अगर हम देखें तो 50 रुपए नीचे आया टमाटर, सही है। तो सबसे सस्ता बिकने वाला यहाँ सिलीगुड़ी, उसके क्या बाजार है? वो 500 रुपया। 500 रुपया। उसे ग्राहक जो है कम पसंद करता है यहाँ, ज्यादा जो यहाँ तो बेंगलोर बिकेगा, तो यहाँ जो लंबी लोडिंग होती है यहाँ से डोडा भद्रवा किश्तवाड़ गुजरात का, यहाँ बंगलोर, यहाँ बंगलोर वाला लाल माल बिकेंगे, थोड़ा कलर कम रहता है उसमें। जी जी, वो इधर ही बिकता है लोकल में। यहाँ गुजरात के माल भी है, बंगलोर वाले माल तो है ही लाल है। अच्छा, उनमें तो शिकायत है। सबसे बढ़िया क्वालिटी हुई बंगलोर। हाँ, बंगलोर वाले माल ठीक है। जी जी। जो गुजरात वाले माल जो कलर कम भरे गए हैं, चाहे हिमसोना में भरे गए हैं कच्चे कलर, वो भी क्लिक हो गए, चाहे वो बिरांग या हाइब्रिड कच्चे भरे गए, वो भी क्लिक हो गए। तो सुरेश भैया, जम्मू की सब्जी मंडी में अगर हम सबसे बड़ा टमाटर का काम देखें तो वो आपका है, तो आप ही करते हो सबसे? हमारे से बड़े बड़े हैं, हमने क्या काम बड़ा? नहीं, ज्यादा काम तो आप ही गाड़ी बेचते हैं हमारे उधर, गांधी बाबूजी उसकी चार्जर गाड़ी होती है, पांच पांच गाड़ी। नहीं, आपका ज्यादा काम है टमाटर का, हर स्टेशन से आपका माल आता है। तो मुझे थोड़ा बताएं, आपको बताइए, मैं पहाड़ से हूँ, तो हम छोटे छोटे किसान हैं, तो हमारी कोशिश रहती है यार चलो हमारे पैसे भी बन जाए। तो क्या लगता है पिछले वाले जो पिछले साल के चांस हैं, फिर से लगेंगे इस बार की नहीं लगेंगे? वो थोड़ी लगते हैं, वो तो एक ऐसे लग गया कि माल मूल खराब हुए, वो तो बड़ा तगड़े चांस लग गए, वो बार बार वो थोड़ी आएंगे। जी जी। बाकी देखो, टाइम का कोई पता नहीं, ठीक है ना? टाइम का पता नहीं, आगे क्या टाइम आएगा इसके लिए कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। लेकिन जो भी है ठीक ही रहेंगे, ठीक ही रहेंगे भाई, ठीक ही रहेंगे। खर्चे बहुत हैं जिम्मेदारी में, खर्चे खुर्चे बहुत हैं, लोग जो भी करेंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे अगर मैं पिछले साल से 2022 की बात करूं, तो यहाँ टमाटर 100-100 रुपए पेटी, 50-50 रुपए पेटी, 150 रुपए पेटी, बहुत किसानों के जब वो नुकसान होता फिर वो नहीं लगाते हैं। जी जी जी। जो लगाएंगे वो बेचारे ठीक रहेंगे। जी जी। ऐसे गुजरात में इस बार कम माल लगाया गया, जिन्होंने लगाया वो ठीक रहेंगे, नुकसान की वजह से ही लोग कम लगाते हैं, क्या करें यहाँ। सही है, सही है जी। तो अपनी फर्म का नाम बता दें आप हमें। फर्म का नाम शिव शक्ति फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 36, मोबाइल नंबर 9419113962। मैं अभी शॉप नंबर 66 पे हूँ, तो मेरे साथ हैं आज प्रीतम जी। तो प्रीतम जी जो है ये किसान है, तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता रहता हूँ कि हमारे देश की जान हमारा किसान, तो बारिश हो जितने भी आड़ती हैं वो शेड में है, लेकिन किसान जो है अपनी सब्जी के पास, बारिश हो रही है लेकिन ये अपनी सब्जी के पास बैठे हुए हैं। तो सर कैसे हो आप? कैसे होना, ये देख लो जी,
अच्छा, पहले बिकती थी 35 रुपए किलो। अच्छा, आज कोई 6 रुपए किलो में नहीं लेगा। अच्छा, आज 6 रुपए भी नहीं बिक रही है? नहीं बिक रही। तो कितनी पालक लेके आए थे आप आज? हम ले आए थे 2 क्विंटल। 2 क्विंटल लाई थी आपने? तो ये कश्मीरी वाला क्या रेट बेचा आपने? ये 15-12 बेचा। अच्छा, 15-12 जिधर गाग आ जाए तो बेच दिया आपने। ठीक है, तो धनिया? धनिया बेचा 13-14-15। इसमें खुश हो आप 13-14-15 में? वो ये तो ठीक है, 18 भी बिका, ये ठीक। अच्छा, ये ठीक है। ये इसमें खुश है। सौंफ देखो, सौंफ, सौंफ कितने लेके आए थे आप? इसको हम लाए थे 70 किलो। 70 किलो तो ये काट बिके आज? बहुत कम बिके। अच्छा, बहुत कम बिके। ठीक है जी, तो ये क्या बेचा? डोडी पालक? डोडी पालक भैया 6 रुपए किलो। 6 रुपए किलो। आगे बिकती थी 14 रुपए। अच्छा, आज 14 बिकती थी। इसमें खुशी नहीं है? इसमें खुशी कम है? सही है। मेथी क्या भाव बेची? मेथी बिकी 8-9 रुपए। आगे बिकती थी 45 रुपए। 45 रुपए। तो अभी जो बारिश हो रही है, इसमें खेती में फायदा है कि नुकसान होएगा? इसमें है तो फायदा ही है, फसल उगेगी तो फायदा ही। ज्यादा फसल आएगी तो और सस्ता हो जाएगा। सही है। तो आप कहाँ रहते हो, मुझे अपना थोड़ा बताएं एरिया? हम अखनूर। अखनूर से आते हो आप? सही है, सही है। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।